अस्सलाम वालेकुम, कैनन के सेंटर से मुखातिब हूँ। आज हमारे पास कैनन कंपनी का एक लेटेस्ट मॉडल का गैस होब आया हुआ है, उसके बारे में हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे, उसके बारे में तरीका इस्तेमाल के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट किस्म की वैरायटी होती है उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे सके। और इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको घर की परचेसिंग के लिए जो भी गैस अच्छा गैस प्रोडक्ट होती है परचेसिंग के लिए आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इस हवाले से अगर आपको दिखाता चलो, ये देखें हमारे पास कैनन कंपनी का एक लेटेस्ट मॉडल का, इससे पहले भी एक वीडियो इसकी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने तरमीम की हुई है, इसके अंदर बॉडी की मजबूती ज्यादा कर दी है और इसके अंदर वेट भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया, तो इस हवाले से इसकी वीडियो बनाना जरूरी था। तो इसके हवाले से अगर आपको बताता चलो, तो ये कैनन का हमारे पास मॉडल के हवाले से अगर बात करते हैं, तो ये कैनन का हमारे पास CA1 आ जाता है, CA01 हमारे पास ये नई सीरीज आ जाती है, और स्पेशल ये बना बनाया एलपीजी के लिए है, एलपीजी पे इस्तेमाल होगा, यानी कि सिलेंडर गैस पे इस्तेमाल होगा। और इसकी क्वालिटी के वाले से अगर बात करते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये स्टेनलेस स्टील के अंदर आया हुआ, ये कोई कलर खराब नहीं होता, ऊपर पे कलर पे किसी किस्म का निशान पड़ने के चांसेस नहीं है। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर ये जो ग्रिल इस्तेमाल की गई है, काफी भारी वाली ग्रिल इस्तेमाल की गई है, जितने भी पहले मॉडल आते थे उनके ऊपर ग्रिल जो ये ऊपर वाला जंगला जो होता था इसके अंदर बहुत हल्की क्वालिटी में इस्तेमाल होता था। जो अगर कैनन के पहले जो इस्तेमाल होते थे वो तकरीबन इस तरह के होते थे जो इसके ऊपर पहले मॉडल लगा होता था, और इन्होंने शेप को भी चेंज कर दिया। ये देखें अगर शेप के हवाले से बात करता हूँ, तो इन्होंने शेप को भी चेंज किया और जंगले की क्वालिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव कर दिया है। और दूसरे नंबर पे अगर इसके बर्नर की क्वालिटी का अगर बताते चले, तो आपको बर्नर की क्वालिटी वही सेम टू सेम पहले वाली क्वालिटी आएगी, और नीचे जो बर्नर क्वालिटी और ये वाला बर्नर क्वालिटी दोनों सेम टू सेम एक ही क्वालिटी के जो पहले वाले मॉडल में आए हुए थे। अच्छा, इसके अलावा अगर बटनों की क्वालिटी के वाले से बात करते हैं, तो ये देखें बटनों की क्वालिटी को इन्होंने थोड़ा सा हैवी वगैरह कर दिया है, ये वाला बटन अच्छे वाला बटन लगाया हुआ है, ब्लैक शेड में लगाया हुआ है बटन, और ये ओरिजिनल जो है ना बकालाइट टाइप है, और ये स्टेनलेस स्टील के अंदर बना हुआ है, और इसके अंदर काफी यानी कि लोअर टाइप महसूस हो रहा है, ये काफी भारी वाला बटन है, इसके अंदर टूटने के चांसेस नहीं है आपके। और दूसरे नंबर पर ये गैस को रोकने के लिए जो दूध या चाय वगैरह चला जाता है अंदर, उसको रोकने के लिए इसके अंदर इन्होंने स्ट्रिप टेबली लगाई हुई है, प्लास्टिक की कर दी है। और दूसरे नंबर पे ये कैनन का ओरिजिनल मोनोग्राम लगा हुआ है इसके ऊपर, कैनन का मोनोग्राम इसके अंदर ऐड किया हुआ है। और ये दरमियान वाले जंगले के अगर हवाले से बात करते हैं, तो ये भी काफी भारी वाला लगा दिया इन्होंने पहले की रिसोर्ट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसके अगर नीचे आपको उल्टा करके दिखा सकूं, तो उसके अंदर आपको क्वालिटी मजीद नजर आएगी, जो पहले मॉडल आते थे उनके अंदर ये क्वालिटी नजर नहीं आती थी, लेकिन इसके इस टाइम जो है इन्होंने जो नया मॉडल बनाया है कि हमारे पास इनके अंदर क्वालिटी जो है ना ये लोकली मैन्युफैक्चरिंग करवाए और इनके अंदर क्वालिटी को इन्होंने इम्प्रूव किया हुआ। ये देखें ये काफी हैवी वाला नीचे वाला जो हिस्सा है काफी हैवी लगा दिया इन्होंने। इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएंट आते हैं, दूसरा वेरिएंट भी आपको दिखाता हूं मैं, इसी चीज में हमारे पास दूसरा वेरिएंट भी है। इसका साइज जो है ना 15x26 के करीब आएगा, और जो दूसरा वेरिएंट दिखाता हूं इसके अंदर CA1+ के नाम से ही है वो, उसके अंदर जो इसकी चादर इससे भी ज्यादा बारी वाली लगी हुई है वो भी दिखाता हूं आपको। इसके अंदर अगर आप दूसरे मॉडल की बात करता हूं, तो ये देखें ये इसी में सेम टू सेम मॉडल आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये कम अज कम जो है ना 2 से 2.5 किलो वेट इसका ज्यादा है। इसको मैं उल्टा करके आपको दिखाता हूं, जंगले हटा के आपको अंदाजा हो जाएगा इसके अंदर क्वालिटी और उसके अंदर क्वालिटी में क्या फर्क है। ये देखें उसके अंदर जो पहली क्वालिटी दिखाई थी, इसके अंदर ये क्वालिटी है। ये देखें ये काफी जो है ना ये भारी वाला मटेरियल इस्तेमाल किया गया। ये देखें इसकी बॉडी के हवाले से अगर आपको चेक करवाते हैं, तो ये देखें बॉडी काफी भारी वाली लगाई हुई है, और इसके अंदर ये जो है ना फिनिशिंग ज्यादा खूबसूरत कर दी है, और इसके अंदर ये बॉडी को इन्होंने बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। और इसके ऊपर मॉडल के हवाले से बताता चलो, ये देखें मॉडल सेम टू सेम है, लेकिन इसके अंदर जो है ना क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। ये जो नया मॉडल आया हुआ है इसके अंदर क्वालिटी को इंप्रूव करने के साथ साथ, और ये स्टेनलेस स्टील नीचे भी इन्होंने लगा दी है, और इसके अंदर जो ये पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और ये पहले से ज्यादा इसके अंदर चादर भी जो है ना काफी मजबूत लगा दी है। और इसके अगर वेट के हवाले से बात करो, अगर वो दूसरे का जो अगर वेट खर्च करें 6 से 7 किलो, तो इसका कम से कम 10 किलो के करीब वेट है। तो ये इनके अंदर जो CA1+ है, इनके अंदर ये दो मॉडल हैं जो इसके अंदर इस टाइम जो कैनन कंपनी बना रही है, और दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस डाले हुए हैं जो मैंने आपको समझाया है। तो इसके बाद अगर बाकी बटनों की क्वालिटी के हवाले से बात करें, और इसके जंगले की क्वालिटी वगैरह वो सारा ऑल टू ऑल सेम क्वालिटी है, इसमें किसी किस्म की तरमीम नहीं की गई, और बाकी ये जो सिर्फ नीचे वाली बॉडी को इंक्रीज करने की वजह से, और दूसरे नंबर पे इसके अंदर चादर का बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल किया गया और बहुत ही हैवी चादर लगा दी है। जो नया मॉडल आ रहा है CA1+ के हवाले से, तो जब भी आपने परचेजिंग करनी है, तो इसमें CA1 के बजाय CA1+ को आप तरजीह दें, ताकि आपको जो है ना काफी हैवी बॉडी मिलती है, और इसका वेट अगर उससे कम अज कम जो है ना 3 से 4 किलो वेट ज्यादा है। तो ये थी हमारी एक वीडियो जो CA1+ के बारे में थी। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।